हेलो एवरीवन, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज की जो टॉपिक है वो बैंकिंग एंड टैली से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या टैली सीखने के बाद मुझे बैंक में जॉब मिल सकती है, या फिर क्या बैंक के अंदर टैली यूज होता है, इवन यहाँ कंपनी के अंदर क्या सिर्फ टैली यूज होता है या फिर अदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ऐसे बहुत से नॉलेज आपको मिलने वाली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था जो फ्रेशर है, क्योंकि फ्रेशर वालों का ज्यादा कन्फ्यूजन होता है, जाहिर सी बात है। इवन जब मैं फ्रेशर था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे रिलेटेड टू अकाउंटिंग जॉब, रिलेटेड टू वर्किंग, ये सारी चीजें, यू नो, एक नॉर्मल सा है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको कोई जानकारी, कोई इल्म नहीं होती कि क्या करना है, राइट? तो ऐसे बहुत से कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूं आप लोगों का, बिकॉज बहुत से ऐसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे मुझे डीएम मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, और लोगों का ये कंफ्यूजन है कि क्या बैंक के अंदर टैली यूज होता है, या फिर टैली सीख कर क्या मैं बैंक के अंदर जॉब कर सकता हूं, क्या कंपनी के अंदर सिर्फ टैली ही यूज होता है या फिर अदर सॉफ्टवेयर भी यूज होता है, राइट? तो देखिए, बैंक का जो कंसेप्ट है, मैं जैसा कि बहुत लोग है, जैसा कि मैंने बोला कि कंफ्यूजन है, तो देखिए बैंक का जो कंसेप्ट है ना, वो टैली से अलग है, डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे हैं कि टैली सीख कर मैं बैंक में जॉब कर सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जा सकते हैं वहां जॉब कर सकते, क्योंकि बैंक की जो वर्किंग होती है, और हाँ, जो सॉफ्टवेयर आप लोग की बात कर रहे हैं कि क्या सॉफ्टवेयर टैली यूज होता है, नहीं, कोई भी बैंक टैली सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। और जो भी बैंक है, लाइक जो भी यूनियन है, HDFC है, जो भी ऐसे बैंक्स है, उनके जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ये भी नहीं कि जो HDFC यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर वो यूनियन बैंक यूज़ करेगा, जो यूनियन बैंक यूज़ करेगा वो अदर बैंक्स यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। सारे बैंकों की जो सॉफ्टवेयर होती है वो अलग अलग होती है, और आप ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना कि वहाँ पर टैली यूज होता है। देखिए, अब रही बात कोई भी कंपनी में सोचते कि क्या मैं टैली, हर कंपनी में क्या टैली ही यूज होता है, कोई भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी, देखिए यहाँ पर भी आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे। लाइक यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैली प्राइम यूज करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराना ही वर्जन यूज करते हैं टैली ERP 9। लाइक मी, मैं भी टैली ERP 9 ही यूज करता हूँ, प्राइम नहीं यूज करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइम यूज करते हैं, और बहुत से ऐसी कंपनी है जो टैली यूज नहीं करती, कोई सैप यूज करती है, कोई और अदर जो एप्लीकेशन है उसको यूज करती है, यानी अपने हिसाब से जो उनकी किफायती है, जो बेनिफिट हो वो यूज करती है जो भी कंपनी हो, राइट? तो आप ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि मैं टैली सीख के मैं बैंक में जॉब कर सकता हूं, या फिर बैंक में सिर्फ टैली यूज होता है, या फिर और कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसा कि मैंने बोला, और कोई भी कंपनी सिर्फ टैली यूज नहीं करती, वो अपने हिसाब से, जो भी मार्केट में बहुत से ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लोग वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हुआ हो, आपको कुछ यू नो नॉलेज मिला हो। तो अगर नॉलेज मिला तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्पफुल मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।